तो भाई साहब, जब से प्रभास की कल की मूवी आई है ना, तब से बाकी मूवी का रिकॉर्ड तो टूटता ही जा रहा है। चाहे वो एक्शन के बारे में हो या फिर कलेक्शन के बारे में, सारे मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये प्रभास का कल की। और इससे पहले उनको देखा गया था बाहुबली में, जिसके बाद उनका तो नंबर ही लगना शुरू हो गया बॉस। हर एक मूवी में इनका कैरेक्टर कमाल का होता है, धमाल का होता है और लाजवाब होता है। और अब कल की के बाद फिर से धमाका करने वाले हैं अपने प्रभास भाई। और अब ऐसा भी लग रहा है कि साल 2025 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी आने वाली है, जो एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर पर होगा। और इस मूवी का नाम होगा राजा साहब, क्योंकि प्रभास का एक ग्लिम्स वाला वीडियो आया है राजा साहब के नाम से। इसमें प्रभास का लुक देखने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि भाई साहब ये नहीं रुकेगा बॉस। और जब से ग्लिम्स वाला वीडियो आया है राजा साहब का, तब से फैंस एक्साइटेड है। 29 जुलाई को आया है ये ग्लिम्स वाला वीडियो राजा साहब के नाम से। वैसे मानो कि शायद ये एक टीजर हो, बाकी ट्रेलर अभी आने वाला हो। लगभग 1 मिनट के टीजर में प्रभास राजा साहब की तरह बाइक पर सवार है, हाथों में फूल पकड़े हुए है और साथ में स्टाइलिश चश्मा लगाकर डैशिंग लुक में दिख रहे हैं बॉस। और भाई लोग, फैंस को क्या चाहिए, यही तो चाहिए लुक, एक्शन, कंटेंट और कैरेक्टर। और बॉस, अगर आप प्रभास के फैंस है तो आपको तो ये मालूम ही होगा कि प्रभास का लुक, एक्शन धमाल का होता है, कमाल का होता है, चाहे वो सलार में हो, बाहुबली में हो या फिर कल्कि में। वैसे राजा साहब का ये ग्लिम्स वाला वीडियो में ये भी बताया है कि मूवी 10 अप्रैल 2025 को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। और अच्छी बात तो ये भी है कि 2024 में तो धूम मचाया ही है और 2025 में भी धूम मचाएगा ये मूवी। टीजर को देखकर तो ऐसा भी लगता है बॉस कि 2025 को भी नहीं छोड़ने वाला है ये आदमी। बाकी राजा साहब के बारे में और भी न्यूज आएगा, चाहे वो मूवी में हो या फिर ट्रेलर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।